बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड है, लीजेंडर फंक्शन से। राइट लीजेंडर फंक्शन पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स एंड एक्सप्रेस द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x³ - 3x² - 5x - 1 इन टर्म्स ऑफ लीजेंडर्स पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लीजेंडर फंक्शन या लीजेंडर पॉलिनोमियल जो पी एन एक्स है और क्यू एन एक्स है उसकी वैल्यू को हमें लिखने को बोला गया है, इसको हम लिख देते हैं। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वो कहलाता है, पहली वैल्यू पी एन की जो वैल्यू लिखेंगे वो कहलाता है लीजेंडर्स फंक्शन, लीजेंडर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, और इसको हम लीजेंडर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और इसे पी एन एक्स का जो कि फंक्शन होता है इसलिए पी एन एक्स से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है 1 × 3 × 5, सारे ऑड हैं ये, और ये 2n-1 तक होंगे। अपान में फैक्टोरियल n होता है, फिर x की पावर n से इसकी शुरुआत होती है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म होते हैं, n n-1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 आएगा और 2n-1 एक्स की पावर n-2 होगी। इसके बाद वाला टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इस वाले टर्म को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर दो दो फैक्टर बढ़ेंगे, यानी n n-1 था तो अब यहाँ पर n-2 n-3 दो फैक्टर यहाँ पर बढ़ गए। यहाँ पर 2 था वो तो हमें लिखना ही है, साथ में 2 और 4 और लिखना है, यानी 2 इसे ऐड करते हुए। उसके बाद ये लिखा था वो तो लिखना ही है, यानी 2n-1 और साथ में इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2n-3। और एक्स की पावर भी 2 से कम कर दें, यहाँ पर 2 से कम की थी n-2 हो गई, यहाँ पर 2 कम करेंगे n-4 रह जाएगी। इसी तरीके से और टर्म आएंगे प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये पी एन की वैल्यू होगी, इसको लीजेंडर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड लीजेंडर्स पॉलीनोमियल। अब हम यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू थी, यानी लीजेंडर फंक्शन था क्यू एन, उसको यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। इसको बोलते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ द सेकेंड काइंड, लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जैसा था वैसे ही लीजेंडर फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसको डिनोट करते हैं क्यू एन एक्स से। इसमें जो फैक्टोरियल एन हमारा पी एन में डिनोमिनेटर में होता है, क्यू एन में ये वैल्यू न्यूमरेटर में पहुँच जाती है, और जो यहाँ पर न्यूमरेटर में था वो वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाती है, यानी 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n-1। यहाँ पर शुरुआत होती है x की पावर -n-1 से, और इसके सारे टर्म हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे। प्लस में होते हैं क्योंकि n भी वैल्यू यहाँ पर प्लस होती है, और यहाँ पर n+1 n+2 ये दो फैक्टर आते हैं पहले,
और अपान में ये टू हमारा पीएन में था, वैसे इसमें भी टू एन होता है, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो टू एन प्लस थ्री से शुरुआत होती है। और जहाँ तक पावर की बात है, इसमें वही रूल चलेगा, इसमें से टू माइनस कर देंगे तो माइनस एन तो था, इसमें से दो और माइनस करेंगे तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा। सारे टर्म पॉजिटिव है। नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे वो हम आगे, यहाँ पर जगह नहीं हमारे, अगले पेज पर लिख देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है ये प्लस, जो पहले फैक्टर आ चुके थे यानी एन प्लस वन और एन प्लस टू, उनको तो लिखने ही है, और भी लिखे जाएंगे। टू था वो भी लिखे जाएगा, और टू एन प्लस थ्री था उसको भी हमें लिखना होगा। ये तो पहले जो फैक्टर थे वो लिख दिए। अब न्यूमरेटर में यहाँ पर दो फैक्टर एक साथ बढ़ते हैं, यानी एन प्लस टू तक आ गया, तब थ्री आएगा और एन प्लस फोर आएगा। यहाँ पर टू मल्टीप्लाइड बाई फोर आएगा, टू ज़्यादा आ जाएगा इसमें, तो यही दो दो करके बढ़ता जाता है। और इसमें भी टू ऐड करेंगे तो आ जाएगा टू एन प्लस का फाइव हो जाएगा। यहाँ पर टू ऐड किया, फाइव हो गया। और एक्स की पावर जो थी एन से पहले वाले टर्म में माइनस एन माइनस थ्री थे, टू और माइनस करेंगे तो माइनस का फाइव हो जाएगी। सारे टर्म प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग कहते हैं लीजेंडर फंक्शन ऑफ द सेकेंड काइंड। अब हम हमारी जो इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है, जिसमें इस फंक्शन को कहा गया है लीजेंडर पॉलिनोमियल, यानी पी एन की फार्म में लिखना है। तो इसमें हमें कुछ वैल्यू याद होना चाहिए, तो उसको हम लिख दे रहे हैं जिसको हमें याद होना चाहिए। कैसे वैल्यू आई है, अगर इसकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे ये आया है, क्योंकि इसमें जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं तब ये वैल्यू हमको मिलती है। तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं हम अगले पार्ट के लिए। वी नो दैट, कि हमें ये वैल्यू पता है, हम जानते हैं, यानी हमें मालूम होने चाहिए कि पी नॉट यानी पी ज़ीरो एट एक्स की वैल्यू जो है वन के इक्वल होती है, पी वन एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होती है। ऐसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पी टू एक्स की वैल्यू जो होती है वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन होती है। और यहाँ पर चूँकि क्यूबिक फंक्शन है हमें, तो पी थ्री तक ही लिखना होगा। पी थ्री की वैल्यू जो है वो वन बाई टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स के इक्वल होती है। अब जो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स, वो क्यूबिक फंक्शन था, तो इसलिए क्यूब तीन पावर जहाँ तक आ रही वहाँ हमने लिखा टेन एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस वन। सबसे पहले हम इस टर्म को फाइंड करेंगे, वो इस वाले पी थ्री से मिलेगा। सबसे पहला काम करें टू को राइट से लेफ्ट में पहुँचा दें, तो इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टू टाइम्स पी थ्री। इसको हम ऐसे लिखा रहने दें, पी थ्री एक्स टू को हम इधर ले गए, तो हमारे पास बचा फाइव टाइम्स एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स, ये ब्रेकेट बचा सिर्फ। उसमें भी हमें ये चाहिए है, इसको हम पहुँचा देते हैं, सॉरी ये चाहिए है, तो इसको थ्री एक्स को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट में पहुँचा देंगे, तो टू पी थ्री एक्स, तो ये टर्म माइनस था, इधर जाके प्लस का थ्री एक्स हो जाएगा, हमारे पास फाइव एक्स क्यूब बचा हुआ है। हमको इसमें इसे बना लेना चाहिए टेन टाइम्स, यानी हमें टेन एक्स क्यूब बना लेना चाहिए, तो पूरे में हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर पी थ्री एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी सिक्स एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स क्यूब। तो टेन एक्स क्यूब की ये वाली वैल्यू हम रख देंगे एफ एक्स के में यहाँ पर, और हमको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ पी में मिल जाएगी। सही क्वेश्चन नंबर वन डाल के यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम इस वाले टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बुलाते हैं पी टू को। पी टू की वैल्यू में इस टू का इधर मल्टीप्लाई कर दें पहले हम, तो देयर फोर टू टाइम्स पी टू एक्स में मिलेगा, और बचेगा राइट हैंड साइड में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमने यहाँ पर
से वैल्यू उठाइए, या फिर आप शुरुआत कर सकते हैं, पहले फंक्शन को लिख लें, फिर आप जैसे ज़रूरत है, जैसे P3 की ज़रूरत है तो आप P3 को यहाँ पे लिखें, उसके बाद यहाँ वैल्यू निकाल लें, फिर आप P2 की ज़रूरत है तो आप P2 वहाँ पर ना लिख के आप P2 यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं और इससे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस 3x² की वैल्यू, क्योंकि 1 को उधर सिर्फ ट्रांसपोज करना होगा, तो 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 times P2x और प्लस का 1, तो हमें यहाँ पर 3x² की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। बाकी तो जो x है वो तो क्लियरली यहाँ से P1x रख दिया जाएगा, 1 भी है P0x रख दिया जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को जो हमें मिली है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से इक्वेशन fx में रख देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ फ्रॉम 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर इन fx जो गिवन था उसमें लिख देंगे, तो हमारा fx अब हो जाएगा इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा fx, पहला टर्म था हमारा ये 10x³, तो 10x³ की वैल्यू हमें मिली थी 4 times P3x + 6x, उसको लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर माइनस का साइन था, अप्लाई कर लीजिए और 3x² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ये है 2 times P2x + 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है माइनस का 5x है, फिलहाल अभी ये इसको ऐसे लिख देते हैं और माइनस का 1, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया, बाद में लिख देंगे वैल्यू इसको, ये कांस्टेंट और भी हैं और एक्स भी हैं अभी, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो ये 2P3x प्लस का 6x, ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2P2x माइनस का 1 माइनस का 5x माइनस का 1। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 6x 5x 1x बचेगा, और जस्ट लिख देते हैं fx की वैल्यू आ जाएगी 4 times P3x और यहाँ पर हमें मिला है माइनस का 2 times P2x, और इनका डिफरेंस हमने बोला कि ये एक्स के इक्वल है, और माइनस वन माइनस का ये 2 हो गया, हम एक्स की जगह पर रख सकते हैं P1x, तो बाकी सारे टर्म और fx की वैल्यू लिखने पर मिलेगा ये 4 times P3x माइनस 2 times P2x, और x की जगह पर जैसे अपने आपको भी दिखाया कि P1x की वैल्यू होती है माइनस, यहाँ 2 into 1 कर सकते हैं और 2 को ऐसे लिख दें, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं P0x यानी P0x, तो P0x लिख सकते हैं यानी P0x लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।